डिंडोरी में वीरेन बिहारी शुक्ला को जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस ने उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर इस मामले पर कई कांग्रेसियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इधर वीरेन बिहारी शुक्ला ने कांग्रेस के आरोपों की शिकायत पुलिस से की है। डिंडोरी जिला कांग्रेस में मची उथल पुथल के साथ ही इस्तीफों का दौर चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अचानक वीरेन बिहारी शुक्ला को जिला अध्यक्ष पद से हटाकर विधायक ओमकार मरकाम गुट के अशोक पडवार को जिला अध्यक्ष बना दिया था। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे देकर अपना आक्रोश जताया। इस बीच कांग्रेस के आईटी सेल द्वारा सोशल मीडिया और समाचारों में हटाए गए जिला अध्यक्ष वीरेन बिहारी शुक्ला पर खुलेआम आरोप लगा दिया कि इनको भोपाल में एक होटल में किसी लड़की के साथ रंगरलियां मनाते पकड़ा गया था। इनकी शर्मनाक करतूत के कारण प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा इन्हें हटाया गया है। इस सब के बाद वीरेन बिहारी शुक्ला अपने समर्थकों के साथ सिटी कोतवाली पहुंचे और अनर्गल आरोप लगाने वाले, चरित्र हनन करने वाले कांग्रेस के आईटी सेल और इसे सोशल मीडिया ग्रुप में पोस्ट करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सिटी कोतवाली पुलिस शिकायत पर जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। 26 मई को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मुझे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इस बात पर हमारे कांग्रेस के साथियों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्णय से क्षुब्ध होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। एक आईटी सेल के देव नरवरे हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, मेरे चरित्र पर आरोप लगाया और मुझे बताया कि भोपाल के किसी होटल में किसी लड़की के साथ मेरे अनैतिक संबंध थे। दो बार वहाँ की पुलिस ने मुझे पकड़ा, तो मैं आज थाने पर आके शिकायत किया हूँ कि ऐसा कौन सा थाना था जिसने मुझे पकड़ा, कहाँ पर मेरे खिलाफ FIR हुई, कौन सी होटल थी और कहाँ पर इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है, तो कहाँ पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई थी। यह पूरी तरह से षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय कमलनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति को राजनीति की तरह से होना चाहिए। राजनीति में परिवार पर, चरित्र पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, न लगवाना चाहिए। जो भी है इसकी निष्पक्षता से जांच होना चाहिए और जो भी जिसने भी मेरे खिलाफ यह कृत्य किया है उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। वीरेन बिहारी शुक्ला जी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से छवि धूमिल करने के संबंध में एक लिखित शिकायत दी है। उक्त शिकायत की जांच हम साइबर सेल के माध्यम से कराएंगे और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।